मंगल मैथ्री स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इनपुट फंक्शन इन पाइथन, राइट? एंड टुडे वी विल डिस्कस ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया था कि हमारे पास कितने टाइप के ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर टाइप्स में हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजनल रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आपके स्पेशल ऑपरेटर, आपके बिटवाइज ऑपरेटर, राइट? तो हमारे पास टोटल 6 कैटेगरी थी ऑपरेटर्स की, जिसमें आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर। पहला ऑपरेटर होगा हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। आप देख सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा। अर्थमेटिक ऑपरेटर आपके कौन कौन से हैं? प्लस हो गया, माइनस हो गया, एस्ट्रिक हो गया, डिवीजन हो गया, मॉड्यूलस हो गया, फ्लोर डिवीजन हो गया एंड आपका ये पावर हो गया, राइट? आपका ये पावर हो गया, जिसे हम आपका प्लस हो गया, आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन माइनस हो गया, मल्टीप्लीकेशन आपका एस्ट्रिक हो गया, डिवीजन आपका डिवाइड हो गया और मॉड्यूलस डिवीजन आपका आपका ये मॉड्यूलस ऑपरेटर हो गया, परसेंट ऑपरेटर जिसे कहते हैं, फ्लोट डिवीजन आपका बैकवर्ड स्लैश हो गया, दो बार बैकवर्ड स्लैश, और एक्सपोनेंट ऑपरेटर आपका डबल एस्ट्रिक, दैट इज एक्सपोनेंट ऑपरेटर। अब इनका यूजेस के बारे में हम पढ़ेंगे किस तरीके से। जैसे सपोज आपके पास a बराबर क्या है 12, b बराबर आपके पास क्या है 13 या 30, राइट? अब प्रिंट a प्लस b, तो आपका ये जो प्लस ऑपरेटर है ये आपके a और b पर अप्लाई हुआ है, तो a और b को हम क्या बोलेंगे? ऑपरेंड्स। क्या बोलेंगे? ऑपरेंड्स, राइट? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रन हम इसे करते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट क्या आया, 25। मैंने यहां पर लिखा प्रिंट a माइनस b, तो a में से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? -1। मैंने यहां पर लिखा प्रिंट a एस्ट्रिक b, तो a एस्ट्रिक जब मैं b करूंगा तो यहां पर a और b का मल्टीप्लीकेशन होगा, राइट? आप देख सकते हैं जब मैंने इसको रन करा तो 25 माइनस 1 और 156, बिकॉज 12 और 3 की मल्टीप्लाई जब हम 13 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा 156। अब इसके बाद हमारा डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन के लिए डियर स्टूडेंट मैंने लिया a बराबर सपोज 24, b बराबर मैंने लिया 4, राइट? मैंने लिखा प्रिंट a डिवाइड b, तो जब मैं लिखूंगा आपके पास a डिवाइड b तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए? 24 डिवाइड 4 इज इक्वल टू 6। आप देख सकते हैं यहां पर मेरा आउटपुट क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन ऑपरेटर से तो आप फैमिलियर है, प्लस माइनस एस्ट्रिक और डिवीजन, बट अब जो आपके पास ऑपरेटर है वो है मॉड्यूलो डिवीजन, दैट मींस परसेंट, इसे हम बोलते हैं परसेंट और मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये ऑपरेटर, इस ऑपरेटर का क्या यूज है डियर स्टूडेंट? ये ऑपरेटर डिवीजन ऑपरेटर की तरह ही वर्क करता है, बट इन डिवीजन ऑपरेटर एज यू सी दैट डिवीजन ऑपरेटर आफ्टर डिवाइड गिव्स द कोशेंट, बट द मॉड्यूलस ऑपरेटर आफ्टर डिवाइड गिव्स रिमाइंडर, नॉट कोशेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए बराबर 25 एंड बी बराबर 4, when we use a percent b, that means a modulo division b, then after modulo division it will give the remainder 1, because when 25 is divided by 4 it give us the remainder 1, because 4 6 is 24 and it gives the remainder 1। तो आप देख सकते हैं यहां पर मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर का क्या रोल होता है? मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर का रोल, आफ्टर डिवीजन इट जस्ट गिव द रिमाइंडर, आफ्टर डिवीजन इट जस्ट गिव द रिमाइंडर। इसके बाद हमारा ऑपरेटर है फ्लोर डिवीजन। ये आपके लिए होमवर्क है, इस फ्लोर डिवीजन का रोल क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है और एक्चुअली फ्लोर डिवीजन है क्या, इसको आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मैं जब यूट्यूब पर इस वीडियो को अपलोड करूंगा तो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के बाद आप इस वीडियो को देखना और उस कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि फ्लोर डिवीजन का क्या रोल होता है, सर फ्लोर डिवीजन क्या करता है।
इसके बाद है एक्सपोनेंट ऑपरेटर। एक्सपोनेंट ऑपरेटर क्या करता है? एक्सपोनेंट ऑपरेटर, जैसे सपोज मैंने लिया a बराबर 3, b बराबर 4, मैंने यहां पर लिखा प्रिंट a, फिर मैंने डबल एस्ट्रिक b, तो ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर क्या करेगा, ये करेगा 3 की पावर 4, मीन्स 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 × 181. When I run this program, you can see that my output is 81. I hope आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपोनेंट ऑपरेटर क्या करता है, a की पावर b करेगा। जो एक्सपोनेंट ऑपरेटर है a की पावर b करेगा, a क्या है आपका 3, b क्या है 4, तो इट जस्ट गिव अस 3 की पावर 4। पहले a आया तो इसने करा 3 की पावर 4। अगर ये इस तरह से आता, अगर ये आपका कुछ इस तरीके से होता, मान लीजिए यहां पर होता b और यहां पर होता आपका a, तो ये क्या करता, b की पावर a मतलब 4 की पावर 3, मतलब 4 × 4 × 4, आपका आता आउटपुट 64। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, अगले लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, राइट? तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, मंगलवार।